अंकिता लोखंडी के फैन पेज में एमपी मजदूर के फोन नंबर का उल्लेख है। सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसकों के कॉल के साथ बम धमाका हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मजदूर के रूप में काम करने वाले 20 वर्षीय एक व्यक्ति ने पुलिस शिकायत दर्ज की है क्योंकि यूज़र ऐसे ही फोन आ रहे हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसक। खबरों के मुताबिक साइबर सेल द्वारा की गई जांच में पता चला है कि राजपूत की पूर्व प्रेमिका और अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के नाम ऐसे ही बनाए गए एक फेसबुक पेज ने के बारे में खंड में उनके नंबर का उल्लेख किया है, जबकि कुछ ने यह कहते हुए कॉल काट दिया कि यह गलत नंबर है। कुछ अन्य लोगों ने अभिनेता की मौत पर जहर उगल दिया। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को बांद्रा अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली। नेपोटिज्म बहस गर्माती है। आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने अपने पति महेश भट्ट का बचाव किया। फिल्म निर्माता को भाई भतीजावाद का झंडा बरदार कहने के लिए ट्रोल हुई। सोनी राजदान किसी भी अधिक बकवास को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है या अपने परिवार के निर्देशन में नफरत के साथ ऑनलाइन बहस के दौरान स्टार बच्चों ने अपने उद्योग कनेक्शन के कारण प्रतिभाशाली बाहरी लोगों ऐसे ही सब कुछ कैसे चोरी किया है। हाल ही में जब एक ट्विटर यूजर ने अपने पति महेश भट्ट को अपनी बेटी आलिया के गॉडफादर करण जौहर की तरह ही भाई भतीजावाद का झंडा बरदार कहा, तू सोनी ने तुरंत जवाब दिया। इसमें लिखा था, आप बहुत बीमार है। मेरे पति ने इस उद्योग में किसी और की तुलना में नए लोगों को अधिक विराम दिया है। पूरी लंबी अवधि थी जहां उन्होंने सितारों के साथ काम करने ऐसे ही मना कर दिया। तब उन पर सितारों के साथ काम न करने का आरोप लगाया गया था। अपना होमवर्क करो और फिर बात करो। उन अनजान लोगों के लिए सिंह राजपूत के प्रशंसकों ने उद्योग के सम्मानों और स्टार किड्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नफरत फैलाने के लिए देर ऐसे ही अभिनेता को अवसाद में धकेलने के लिए उकसाया और आखिरकार उनकी परियोजनाओं को चोरी करके और उन्हें बाहरी व्यक्ति होने के लिए अनदेखा कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद ट्रोलिंग, ऑनलाइन ट्रोलिंग के बाद करण जौहर के करीबी दोस्त का खुलासा। फिल्म निर्माता करण जौहर को क्रूर ऑनलाइन किया गया है। सुशांत सिंह के बाद ऐसे ही कभी भी भाई भतीजावाद बहस पर ट्रोल। राजपूत का निधन और अब के करीबी दोस्तों में ऐसे ही एक। करण ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि इसने करण के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाला है। यह भी कहा गया था कि करण हमेशा सोचते था कि उन्होंने सालों तक ट्रोल्स का निशाना बनने के बाद मोटी चमड़ी विकसित की थी, लेकिन इस बार उन्हें जिस क्रूर नफरत का सामना करना पड़ा उसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। दोस्त ने कहा कि उसके 3 साल के जुड़वा बच्चों को मौत की धमकी मिल रही है। यह पूछे जाने पर कि क्या करण पूरे मुद्दे पर बोलेंगे, दोस्त ने कहा कि वह उसी के बारे में बोलने के लिए किसी भी हालत में नहीं है और यह उससे बात करने के लिए बहुत सुखद अनुभव नहीं था क्योंकि करण हमेशा फोन पर बात करते समय टूट जाता है और पूछता है कि उसने इसके लायक क्या किया है।